Press the bell icon and never miss any updates from India Forums. ZTV is coming up with a new show, Detective Didi, starring Manish Goplani and Sonia Bilani, who will be seen playing the role of a police and detective respectively. And at the press launch of the show, we interacted with the two in different styles while we asked Manish about the detective and police props, his character, the theme of the show, the promos and more. We also did a fun lie detector activity with Sonia and asked her more about the show and the character. Take a look. So, jaisa ki show ka naam hai Detective Didi, to hamare paas detective wali bahut sari cheeze hain jahan hum aksar apna face badalne mein ye cheeze use kar lete hain jo aap dekhne wale hain serial mein bhi aur ye cheeze hame cheezon ko gehrai se dekhne ke liye of course face badalne ke liye aur kuch badi partyon mein jane ke liye hame in cheezon ki zarurat lagti hai to hum bahut sari aisi cheeze use karte hain detective hote hain to aur agar hum police wale hote hain to hum hamare paas dusre tarike hain cheeze solve karne ke तो बस अब आप पूछ लीजिए। ओके, बंटी शर्मा नाम है मेरा और बंटी बहुत ही फियरलेस है, उसे किसी से डर नहीं लगता। सबसे अच्छी बात उसकी मुझे ये लगती है और वो जैसा बोलती भी है कि मेरे ब्लड टेस्ट में सिर्फ एक ही कमी निकली है और वो है डर की। एंड एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा फियरलेस है और आई थिंक ये उसके प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क भी करता है कि वो डरती नहीं है किसी से, किसी ने कुछ भी गलती की वो सीधा उठा के मार देती है और अपने घर वालों से भी, क्योंकि वो इतनी राइट है हर वे में, उसको पता है कि हाँ मतलब कोई उसे घर वाले भी, वो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है सबके लिए, इतना कुछ करती है कि उसे पता है कि मैं करेक्ट हूँ तो फिर कोई मुझसे गलत क्यों कर रहा है लाइक दैट। आज मैं चेक करूँगी इन लोगों ने कितना झूठ बोला है कितना सच बोला है, ये लाई डिटेक्टर मशीन है यहाँ पे, तो हम चेक करते हैं कि इन्होंने सच बोला है या झूठ। डिटेक्टिव दीदी के लिए आज तो स्टार्ट करता हूँ अपने क्वेश्चन से। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हैव यू एवर प्रैंक्ड विद योर फ्रेंड, आपने कभी भी किसी अपने दोस्त की टांग खींची है? बहुत बार। करेक्ट आंसर। आपने डिटेक्ट कैसे किया? डिटेक्ट हो जाएगा अगर ये बच पड़ेगा अपना। जैसे इफ यू जस्ट से कुछ भी झूठ बोल। अच्छा पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू मैरिड? यस। राइट। आर यू हैप्पीली मैरिड? हां। आर यू हैप्पीली मैरिड? यस वेरी मच। शादी हुई नहीं तो हैप्पीली मैरिड कैसे हो गया? हैव यू बीन गॉन टू एनी कॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप गए हो कभी? यस। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर चीटेड समवन? नेवर। 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 हैव यू एवर लाइड अबाउट योर वर्क दैट आई एम सिक, यार मैं बीमार हूं आज मैं नहीं आ सकती आज, आई एम सॉरी? नो, नहीं करा कभी? नहीं सच नहीं था, मैंने बोला है झूठ, आपकी मशीन गलत है, डिटेक्टिव दीदी ज्यादा स्मार्ट है। मैम ने, मैंने पूछा कि आपने कभी ऐसा ठाना मारा है कि आप बीमार हो? हां मारा है ऐसा? सच बोला ना आपने? राइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कभी आपने कहीं खाना खाया, फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में, और वहां पे बिना पैसे दिए आप आ गए? नेवर। वो ऐसा? ओके हां। This is the way that हमारी मशीन डिटेक्ट करेगी। मशीन वर्क्स। ओके एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर थेफ्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी शॉप, कभी किसी दुकान से चोरी वोरी चोरी चकारी करी है बचपन में कभी? नहीं। नहीं नहीं करा? नहीं। सच्ची किया? एक बार बचपन में जब मैं बहुत छोटी। देख सकते हैं यहां पे हार्ट बीट भी आपकी आ रही है। ओह अच्छा, तो यहां से पता लग रहा है। अच्छा एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज माय लास्ट क्वेश्चन इज कौन सा पूछोगे, खतरनाक सा पूछें? हाँ पूछिए। ठीक है, कभी किसी बिन बुलाई शादी में गए आप? क्या यू आर नॉट हैविंग एन इनविटेशन एंड यू गॉन टू द पार्टी? करेक्ट जवाब। थैंक यू मैम। ओके, हम लोग सही चीज, हम लोग एक घटना दिखाएंगे, क्या हुआ था नहीं दिखाएंगे, एक घटना कैसे होती है हम लोग ये बताएंगे कि अगर पर्स चोरी हुआ तो पर्स कैसे चोरी हुआ, हम ये नहीं बताएंगे कैसे हुआ था। अगर किसी के साथ रियल लाइफ में पर्सनल पर्स चोरी हुआ है तो वो वैसा ही नहीं हुआ होगा और उसके साथ वही सिचुएशन नहीं हुई होगी जो हमने बताई। तो ये सिर्फ मैसेज हमारे वो हैं जो हमें देने हैं, बट उनका तरीका
कम्प्लीटली डिफरेंट है और हमारा कोई भी इंटेंशन किसी को भी यू नो हर्ट करने का या फिर किसी के दिल पे ठेस पहुँचाने का नहीं। अब आई थिंक इतना थोड़ा सा चीज़ अब लोग काफ़ी सेंसिबल हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पहले ऐसे सब्जेक्ट्स होते थे कि जहाँ थोड़ा सा भी डिबेट हो जाए तो लोग कंट्रोवर्सीज कर देते थे, उनको पता है कहीं ना कहीं कि हम उन्हें एंटरटेन करने के लिए ये चीज़ें ला रहे हैं, तो 100% रियल नहीं हो सकता, फिक्शन हैज़ टू बी देयर फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो इसीलिए हमने इसे उस तरीके से प्रमोट नहीं किया जैसे क्राइम पेट्रोल और जो शोज़ हैं जहाँ बिल्कुल रियल स्टोरीज दिखाई जाती हैं। हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वो शायद रियल होगा, शायद का ऑफकोर्स रियल होगा, आपको लगेगा कि हाँ ऐसा आप रिसर्च करेंगे तो कि ये क्राइम सच में हो रहा है, लेकिन जो हमारा इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से हम केस को सॉल्व करेंगे दैट विल बी टोटली फिक्शन। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन। लिया है मैंने हर एक पुलिस वाले से कुछ ना कुछ लिया है, चाहे वो रियल लाइफ में मुझे मेरे सामने आए हों, मुझसे टकराए हों, या फिर हम लोगों ने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जिन्हें देखा है, अक्षय कुमार सर, अमित सर, सलमान सर, हम सब ने मतलब दबंग हो या फिर सिंगम हो या फिर आपकी वांटेड हो, 786 हो, शहनशाह हो, हर किसी ने अलग अलग अपने अंदाज में पुलिस का कैरेक्टर निभाया। तो मैंने हर किसी से कुछ ना कुछ लिया है और उसमें कुछ ऐड किया है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वंडरफुल, आई एम लविंग विंटर्स बिकॉज मुंबई में उतना ठंड नहीं होती थी, तो आई यूज टू मिस दिस वेदर, बट नाउ आई एम लविंग इट टोटली। इट्स वेरी प्लेजेंट एंड वेरी कोल्ड एंड वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम, बट आई एम लविंग। भीम सिंह बुल्डर ये हरियाणवी जाट है जो क्राइम डिपार्टमेंट से है और ये किसी की नहीं सुनता, ये अपने आप में एक वन मैन आर्मी है। अगर इसे लगता है कि किसी चीज़ को सॉल्व करना है तो करना है, बस कैसे भी करना हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, एक छोटा सा गलत रास्ता भी अपनाना पड़े, ये कम्प्लीटली कानून को फॉलो करता है, लेकिन उसको पता है कि कहाँ वो उस कानून के बियॉन्ड जाकर भी उस केस को सॉल्व कर सकता है, तो वो कर लेता है। टच वुड, मोस्टली इट्स गुड, दे आर सेइंग इट्स वेरी डिफरेंट, दे आर लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग एंड इट्स समथिंग व्हिच वी हैव नॉट सीन ऑन टेलीविजन बिफोर, सो आई जस्ट होप कि हम उतना जितना चीज़ आपको प्रॉमिस कर रहे हैं उतना हम बाद में डिलीवर कर पाएँ। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। यार लाइव लोकेशंस पे शूट करना इज लाइक I'm lucky कि मुझे लाइव लोकेशंस पे शूट करने को मिला, क्योंकि यू नो somehow लाइव लोकेशंस हर एक्टर को पसंद होती है कि वो हमेशा लाइव लोकेशन पे ही शूट करना चाहता है, क्योंकि यू नो चीज़ें बहुत ज़्यादा रियल लगती हैं, तो खुद को भी बड़ा फील आता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा ही रहे हमेशा। हाँ, हम लाइव लोकेशंस पे शूट कर रहे हैं, बट इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी डिफिकल्ट टू शूट देयर, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आती हैं वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ों की शूट करना, प्लस इट्स वेरी टाइम टेकिंग एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। जो चीज़ हम सेट पर शायद 1 घंटे में कर लें वो आउटडोर लोकेशंस पे 4 से 5 घंटे लग जाते हैं हम लोगों को शूट करने। गाइज ऐसे ना ऐसे अपने जो लाइफ की प्रॉब्लम्स और सॉरो है ना, जो भी दुख हैं आपके जीवन में, उन सबको ढूंढो और निकाल के फेंको, हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, डिटेक्टिव दीदी देखते रहो। ओके, सो टू ऑल गर्ल्स एंड गाइज, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आई थिंक आप सबको लेनी चाहिए, एंड बी सो इंडिपेंडेंट दैट यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर योर सेफ्टी, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड कोई ज़्यादा बदतमीजी करे तो जस्ट। इंडिया फोरम्स विशेस टीम डिटेक्टिव दीदी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देयर शो। Hello everyone, this is Bheem Singh Bullar of Manish Goplani. This is Banti Sharma. So keep watching us on Detective Didi on Zee TV. 8 to 9 p.m. Saturday, Sunday. Ashima Chavda, camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.